हेलो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच। मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच में हमने डिस्कस किया माउथ पार्ट्स। माउथ पार्ट्स के बाद आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ कॉकरोच, विच इज नेक। नेक को हमने बोला सर्वाइकम। अब जब भी हम बॉडी को डिवाइड करते हैं, कॉकरोच की बॉडी को, तो हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हेड, थोरेक्स, एब्डोमन। इसका मतलब जो नेक वाला पार्ट है, इसे हमने बॉडी सेगमेंट में कंसिडर नहीं करना, लेकिन एक छोटी सी नेक प्रेजेंट होती है कॉकरोच में, जिसकी हेल्प से जो उसका हेड वाला रीजन है वो ऐसे मूव कर सकते हैं। सबसे पहले नेक साइज में छोटी है, नजर क्यों नहीं आती, वी विल डिस्कस। सिलेंडर है, फ्लेक्सिबल ट्यूब है जो कनेक्ट कर रही है हेड को थोरेक्स वाले रीजन से। इट कनेक्ट्स हेड विथ थोरेक्स। इट इज सपोर्टेड बाई फोर सर्वाइकल स्क्लेराइट्स। अब हमने नोटिस किया जो कॉकरोच है इसके ऊपर काइटनस प्लेट्स पड़ी हैं, जो इसकी नेक वाला रीजन है उसमें आप देखोगे फोर सर्वाइकल, सर्वाइकल का मतलब गर्दन वाला रीजन हो गया, फोर सर्वाइकल स्क्लेराइट्स काइटिन की प्लेट्स पड़ी हैं। इसे हम बॉडी का जो मेन बॉडी के पार्ट्स हैं वो तीन कंसीडर कर रहे हैं, हेड, थोरेक्स, एब्डोमन, इसलिए हम इसे टेग्मा कंसीडर नहीं कर रहे। इट इज नॉट कंसीडर्ड एज टेग्मा ऑफ द बॉडी। सो देयर आर थ्री टेग्मा, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमन। इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ द हेड। अब थोरेक्स वाली बात करते हैं। थोरेक्स इज द सेकेंड टेग्मा ऑफ द बॉडी। फर्स्ट टेग्मा इज हेड एंड सेकेंड टेग्मा इज थोरेक्स, और नेक को हमने टेग्मा कंसिडर नहीं करना। थोरेक्स इज द सेकेंड टेग्मा ऑफ द बॉडी। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री सेगमेंट्स, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। ये देखो, अब जो हेड के बाद हमने देखा थोरेक्स वाला रीजन है, अब ये थोरेक्स वाला रीजन है जो यहां तक, तो हमने थोरेक्स वाले रीजन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तीन पार्ट में। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसे प्रोथोरेक्स बोल रहे हैं, उसके बाद मीजोथोरेक्स, सबसे एंड वाला पार्ट मेटाथोरेक्स। इट इज सेकेंड टेग्मा ऑफ द बॉडी, कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। ईच सेगमेंट ऑफ द थोरेक्स इज कवर्ड बाय फोर स्क्लेराइट्स, और इस पे कितने स्क्लेराइट्स प्रेजेंट है, कितनी काइटिन की प्लेट्स प्रेजेंट है, फोर। Each segment of the thorax is covered by four sclerites. One on the dorsal side called tergum or notum. हमने देखा जो जैसे हम कॉकरोच बनाते हैं तो इस तरह ही बनाएंगे हम। तो इस केस में जो इसकी बैक वाली साइड है, ये वाली साइड है, ये डोर्सल साइड है, ये जो इसकी नीचे वाली साइड है ये वेंट्रल साइड है। तो हमने देखा जो ये ऑर्गेनिज्म है इस पे काइटिन की प्लेट्स पड़ी हैं, काइटनस प्लेट्स पड़ी हैं। जो काइटनस प्लेट्स डोर्सल साइड पे पड़ी हैं उन्हें हम बोलते हैं टर्गा। जो काइटनस प्लेट्स वेंट्रल साइड पे पड़ी हैं उन्हें बोलते हैं स्टर्ना, और जो लेटरल साइड पे पड़ी हैं इस साइड पे, ये वाली साइड पे, इधर भी और उधर वाली साइड भी, लेटरल साइड पे जो बढ़िया से बोलते हैं नूडल। इसका मतलब कौन कौन सी काइटनस प्लेट्स होगी, स्टमक वाली साइड ऐसे याद रखो, स्टमक ऐसे याद रखो, स्टर्ना, और पीठ वाली साइड डोर्सल साइड टर्गा, और लेटरल साइड डोप्लूगा। वन ऑन द वेंट्रल साइड कॉल्ड स्टर्नम और स्टर्ना, एंड टू प्लूरल ऑन द लेटरल साइड। द टर्गम ऑफ द प्रोथोरेक्स इज नोन एज प्रोनोटम। अब हमने देखा जो काइटनस प्लेट प्रोथोरेक्स को कवर कर रही है उसे हमने क्या बोल रहे हैं, प्रोनोटम, और ये हेड का थोड़ा सा पार्ट भी कवर कर रही है। मतलब ये मान के चलो अगर हम ऐसे बॉडी बनाते हैं कॉकरोच की, तो
जो काइटनस प्लेट है वो कवर कर रही है अपना प्रोथोरेक्स वाले रीजन को, ये वाला पार्ट हो गया प्रोथोरेक्स वाला रीजन, और ये हेड के थोड़े से पार्ट को भी कवर कर रही है। तो इस काइटिन की प्लेट के कारण हमें वो उसकी नेक वाला रीजन नजर नहीं आ रहा। अगर आप इसकी नेक देखना चाहते हो तो आपको क्या रिमूव करनी पड़ेगी, प्रोनोटम, जो क्या कवर कर रही है, थोड़ा सा हेड का पार्ट और प्रोथोरेक्स। इट इज लार्जेस्ट स्क्लेराइट ऑफ द बॉडी एंड कवर्स द नेक एंड ए लिटिल पार्ट ऑफ हेड। टर्गा ऑन द मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स आर कॉल्ड मीजोनोटम एंड मेटानोटम रिस्पेक्टिवली। और जो प्रोथोरेक्स के बाद वाला पार्ट मीजोथोरेक्स आ गया, मीजोथोरेक्स के पे क्या प्रेजेंट है, मीजोनोटम, काइटिन की प्लेट, और जो मेटाथोरेक्स है उस पे प्रेजेंट है मेटानोटम। स्क्लेराइट्स ऑफ ईच सेगमेंट आर ज्वाइंट बाय थिन सॉफ्ट फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन कॉल्ड आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन विच परमिट्स मूवमेंट बिटवीन द सेगमेंट्स। आप मान के चलो, हम अज्यूम करते हैं मेरी पूरी बॉडी पे एक हार्ड मतलब लोहे की प्लेट्स मान लेते हैं, इस पे तो काइटिन की प्लेट है तो लोहे की प्लेट्स हैं। अगर मेरी पूरी बॉडी को एक ही प्लेट से बनाया जाए तो मेरी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, मैं मूव नहीं कर पाऊंगा। अगर आप चाहते हो जो मेरे बीच वाले बॉडी पार्ट्स हैं वो मूव कर सकें, तो उसके कारण एक प्लेट और दूसरी प्लेट के बीच में हमें क्या डालनी पड़ेगी, आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन। ये क्या प्रोवाइड करेगी, फ्लेक्सीबिलिटी, ताकि बॉडी में मूवमेंट रहे, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट ना हो। उसके बाद आ गया लेग्स, और माउथ पार्ट्स के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉकरोच में वो है लेग्स। देयर आर थ्री पेयर्स ऑफ जॉइंटेड, तभी तो आर्थ्रोपोड है ये, वॉकिंग लेग्स इन द कॉकरोच अटैच्ड वन पेयर टू ईच थ्रेसिक सेगमेंट ऑन द वेंट्रल साइड। और जब कॉकरोच उल्टा होता है तभी आपको सेगमेंट्स नजर आती हैं, ये देखो लेग्स हैं, ये लेगमेंट जो इसकी वेंट्रल साइड है, वेंट्रल साइड में एक पेयर यहां से निकल रहा है, एक पेयर यहां से निकल रहा है, एक पेयर यहां से निकल रहा है। जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये प्रोथोरेक्स हो गया, तो जो ये लेग्स निकल रही हैं ये कौन सी होगी, प्रोथोरेसिक लेग्स। ये मीजोथोरेक्स है, मीजोथोरेक्स से जो लेग्स निकल रही हैं मीजोथोरेसिक लेग्स, जो मेटाथोरेक्स वाले रीजन से निकल रही हैं दीज आर मेटाथोरेसिक लेग्स। तो क्या हो गया, थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स आर प्रेजेंट इन कॉकरोच। अब जो लेग्स हैं दे आर कनेक्टेड विद प्लूरा, ये लेटरल साइड से भी जुड़ रही हैं, एंड स्टर्ना जो नीचे काइटिन की प्लेट्स हैं इनसे भी जुड़ रही हैं, ऑफ थोरेसिक सेगमेंट्स। अकॉर्डिंग टू द सेगमेंट दे बियर्स देम, दे आर कॉल्ड प्रोलेग्स, मीजोलेग्स एंड मेटालेग्स। जो प्रोथोरेक्स से राइज हुई प्रोथोरेसिक लेग्स, जो मीजोथोरेक्स से राइज हुई मीजोथोरेसिक लेग्स, जो मेटाथोरेक्स से राइज हुई मेटाथोरेसिक लेग्स। ऑल द लेग्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, और बड़े ध्यान से देखो सारी लेग्स की स्ट्रक्चर क्या है, मॉर्फोलॉजिकली दे आर सिमिलर। अब जो जॉइंटेड लेग है इसके फर्दर फाइव सेगमेंट्स हैं जिन्हें हम पोडोमियर्स बोलते हैं, दीज फाइव सेगमेंट्स आर नोन एज पोडोमियर्स। द डिफरेंट पोडोमियर्स फ्रॉम बेस टू द टिप आर सीरियली। अब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कॉकरोच के जो लेग है उसके पार्ट्स बताओ फ्रॉम प्रोक्सीमल टू डिस्टल। प्रोक्सीमल का मतलब क्या होता है, नियर टू बॉडी एक्सिस, डिस्टल का मतलब क्या होता है, अवे फ्रॉम बॉडी एक्सिस। माई फिंगर्स आर अवे फ्रॉम माई बॉडी एक्सिस, तो ये पार्ट क्या हो गया, डिस्टल। एंड माई शोल्डर इज नियर माई बॉडी एक्सिस, सो ये क्या हो गया, प्रोक्सीमल। अब जो ये वाला पार्ट है ये कॉकरोच के बॉडी के पास हो गया तो ये क्या हो गया, प्रोक्सीमल। ये वाला पार्ट बॉडी से दूर है तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, डिस्टल। इसका मतलब वो बेस टू टिप भी लिख सकते हैं, वो प्रोक्सीमल टू डिस्टल भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन में डिस्टल टू प्रोक्सीमल भी लिख सकते हैं, आपने इस चीज का ध्यान रखना है। अब जो इसके फाइव पार्ट्स हैं पोडोमियर्स हैं उनमें सबसे पहला पार्ट आ गया कोक्सा, फिर आ गया ट्रोकेंटर, फीमर, टीविया, टार्सस। और जो टार्सस है इस पे पैड लाइक स्ट्रक्चर्स पड़ी होती हैं, जैसे छोटे छोटे पैड्स बने होते हैं, इन पैड्स को हम क्या बोलते हैं, प्लैंटुले, दीज पैड्स आर नोन एज प्लैंटुले। अब अगर आपको एग्जामिनर ने पूछा बी प्रोक्सीमल टू डिस्टल लेग्स के पार्ट बताओ कॉकरोच के, तो आपको याद रखने के लिए एक फंडा बता रहा हूं मैं, कोटर फटीटा, कोटर फटीटा, को टर
फी टी टा, क्वार्टर फी टी टा, ठीक है। इसे ऐसे लिख लो, सी ओ टी आर एफ ई टी टी आई टी, क्वार्टर फी टी टा। दीज आर पार्ट्स ऑफ लेग्स ऑफ कॉकरोच फ्रॉम प्रोक्सिमल टू डिस्टल, फ्रॉम बेस टू द टिप। क्वार्टर फिटीटा, कोक्सा ट्रोकेंटर फीमल टीबिया टार्सस। अब जो टार्सस वाला पार्ट है, इसमें फर्दर सेगमेंट्स हैं। इन सेगमेंट्स को हम बोलते हैं टार्सोमियर्स। दिस सेगमेंट्स आर नोन एज टार्सोमियर्स। टार्सस इज मेड अप ऑफ फाइव टार्सोमियर्स। और जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, सबसे नीचे वाला टार्सोमियर है, उसमें आपको एक नजर आएंगे क्लोज लाइक दिस। और जो क्लोज है, इसमें एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, एरियोलम, ऐसे स्वोलन पार्ट होगा, ठीक है। ऐसे क्लोज बन गए, ये वाला पार्ट क्या हो गया क्लोज, और बीच में क्या हो गया एरियोलम। लो जी, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है, बट एग्जामिनर पूछेगा ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कॉकरोच लेग या डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ कॉकरोच लेग। तो आपको सबसे पहले इसका सीक्वेंस याद रखना है, क्या है सीक्वेंस, क्वार्टर फिटीटा फर्टीटा, ठीक है जी। और टार्सस है जो, उसमें कितने टार्सोमियर्स हैं, फाइव टार्सोमियर्स। जो लास्ट टार्सस है उसमें क्या प्रेजेंट है, क्लोज, और साथ में क्या प्रेजेंट है, एरियोलियम। और बेसिकली हमने देखा जो टार्सस वाला रीजन है इसमें पैड्स भी प्रेजेंट है, इन पैड्स को क्या बोलते हैं, प्लैंटुले। वही चीज जो मैंने आपको समझाई है, कोक्सा कनेक्ट्स द लेग विद द थोरैक्स, ट्रोकेंटर इज मूवेबली अटैच टू द कोक्सा एंड फ्यूज विद द फीमर। फीमर से फ्यूज है पर कोक्सा से मूवेबली अटैच है, मूवेबली अटैच लाइक दिस, मूवेबली अटैच। द फीमर एंड टीबिया बियर्स काइटनस ब्रिसल्स। आप अगर इसकी लेग देखोगे ना, तो आपको इसकी लेग पे ऐसे ब्रिसल्स नजर आएंगे। कहाँ पे ब्रिसल्स नजर आएंगे, फीमर और टीबिया वाले रीजन से। और ये भी किसके बने हुए हैं, काइटिन के ब्रिसल्स हैं। जॉइंट्स ऑफ द टार्सस आर टार्सोमियर्स विच वियर सॉफ्ट पैड्स नोन एज प्लैंटुले ऑन देयर इनर सरफेस। टर्मिनल ज्वाइंट ऑफ टार्सस एंड्स इन अ पेयर ऑफ क्लोज, बिटवीन द क्लोज देयर इज अ सॉफ्ट हेयरी पैड नोन एज पल्विलस और एरोलियम विंग्स। अब हमें पता है कॉकरोच में टू पेयर ऑफ विंग्स प्रेजेंट होते हैं, कॉकरोच हैव टू पेयर ऑफ विंग्स, फोर विंग्स एंड हाइंड विंग्स। ये देखो, और ये विंग्स भी आपको मैच्योर एडल्ट कॉकरोच में ही नजर आएंगे। जो कॉकरोच का लार्वा है उसे निम्फ बोलते हैं, निम्फ में जो विंग्स हैं वो एब्सेंट हैं, लेकिन जो एडल्ट है उसमें विंग्स प्रेजेंट है। थिक ओपेक एंड लेदरी, जो फोर विंग्स हैं ये कैसे हैं, एक तो थिक हैं, ओपेक हैं और लेदरी हैं, प्रोटेक्टिव है ये नेचर में, दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। ये देखो, ये फोर विंग्स हैं, एक तो ये थिक है इन कंपेरिजन टू ये वाले विंग्स, दूसरे नंबर पे ओपेक है, देखो लाइट प्रॉपरली पास नहीं हो पा रही, और तीसरे नंबर पे लेदर जैसे हैं, दे आर लेदरी। ये फ्लाइट में हेल्प नहीं करते बट कवर एंड प्रोटेक्ट द हाइंड विंग्स व्हेन दे आर नॉट इन यूज। ये वाले विंग्स हैं, इन्हें प्रोटेक्ट करना काम है इसका। इन्हें हम टेगमीना भी बोल देते हैं, सिंगुलर में टेगमेन बोल देते हैं। हाइंड विंग्स ये ब्रॉड है, थिन है, ट्रांसपेरेंट और डेलीकेट है। ये देखो, ब्रॉड थिन ट्रांसपेरेंट एंड डेलीकेट, ये फ्लाइट में हेल्प करते हैं। रिमेन फोल्डेड बिलो द टेगमिना व्हेन नॉट इन यूज। विंग्स ऑफ कॉकरोच कंटेन ए नेटवर्क ऑफ होलो वेन्स। ये देखो, ये वेन्स जा रही है ना ऐसे, ये होलो वेन्स है, कंटेन ए नेटवर्क ऑफ होलो वेन्स और नर्व्यूट्स। क्लियर है, ठीक है जी। तो जो लेदरी विंग्स हैं, जिन्हें जिन्होंने मेन विंग्स को कवर किया हुआ है, वो कहाँ से राइज हो रहे हैं, मिजोथोरेक्स से। जो फ्लाइट में हेल्प करेंगे वो कहाँ से राइज हो रहे हैं, मेटाथोरेक्स से।
नेक इज सपोर्टेड बाय डैश सर्वाइकल स्क्लेराइट्स। हाँ जी, नेक इज सपोर्टेड बाय डैश सर्वाइकल स्क्लेराइट्स। स्क्लेराइट्स क्या है? दीज आर काइटनस प्लेट्स। तो कितनी है? 4। टर्गम ऑफ द प्रोथोरेक्स इज कॉल्ड प्रोनोटम, है ना? प्रोनोटम प्रोथोरेक्स को भी कवर कर रहा है और माइनर पार्ट ऑफ हेड भी कवर कर रहा है। द डैश कनेक्ट्स द लेग विद थोरेक्स। हाँ जी, कौन सा पार्ट है जो थोरेक्स को लेग के साथ अटैच कर रहा है कॉकरोच में? कोटर फटीटा को कोक्सा। अगला पार्ट आ गया इसमें एब्डोमन। सबसे पहले हमने डिस्कस किया जो कॉकरोच की बॉडी है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, हेड थोरेक्स एब्डोमन। पहले हमने डिस्कस किया हेड वाला पार्ट, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था माउथ। उसके बाद हमने डिस्कस किया थोरेक्स वाला पार्ट। थोरेक्स को हमने देखा 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। अब जो प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेजाथोरेक्स पे 1-1 पेयर लेग्स पड़ी हैं, फिर हमने लेग की डिटेल देखी, लेग की डिटेल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने नोटिस किया जो इसकी डोर्सल साइड है उससे विंग्स अराइज हो रहे हैं, जो लेदरी टेगमिन है वो अराइज हो रहे हैं मीजोथोरेक्स से, और जो विंग्स उड़ने में हेल्प करते हैं थिन वो प्रेजेंट है मेटाथोरेक्स पे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं एब्डोमन, ठीक है? थोरेक्स के बाद नेक्स्ट पार्ट इज एब्डोमन। अगर एग्जामिनर पूछे कॉकरोच की बॉडी में ये तीनों पार्ट्स में से सबसे बड़ा पार्ट कौन है, देन योर आंसर इज एब्डोमन इज द लार्जेस्ट पार्ट इन द बॉडी ऑफ कॉकरोच। और देखो एक स्ट्रक्चर और नजर आ रही है, एनल सर्की। द एब्डोमन कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट्स। अब बेसिकली सबसे पहले तो आप जो काइटिन की प्लेट्स है उन्हें रिमूव कर दो। हमने बोला ना जो इसकी एब्डोमन वाली साइट है वेंट्रल साइट है, वेंट्रल साइट पे क्या प्रेजेंट है? स्टर्ना। और पीठ वाली साइड पे क्या प्रेजेंट है? काइटनस प्लेट, टर्गा। और लेटरल साइड पे क्या प्रेजेंट है? प्लूरा। अब आप टर्गा, स्टर्ना और प्लूरा को रिमूव कर दो कॉकरोच की बॉडी से, काइटनस प्लेट्स रिमूव होगी। अब आपको इसके एब्डोमन में 10 सेगमेंट्स नजर आएंगे। एब्डोमन कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट्स। देयर आर 10 टर्गा बट ओनली 9 स्टर्ना एंड द 10th स्टर्नम इज एब्सेंट। तो जो एब्डोमन है उसमें 10 सेगमेंट्स हैं, और जो ये 10 सेगमेंट्स में टर्गा प्रेजेंट है, टर्गा कौन सी साइड पे प्रेजेंट है? डोर्सल साइड पे, पीठ वाली साइड पे, वो 10 है बट 9 स्टर्ना। लेकिन जो एब्डोमन वाली साइड पे काइटन्स की प्लेट्स पड़ी हैं वो कितनी है? 9। इसका मतलब एक स्टर्नम एब्सेंट है। 8th टर्गम इन मेल इज नॉट विजिबल। जो 8th टर्गम है, टर्गा कौन सी साइड पे होगा? पीठ वाली साइड पे, वो मेल में विजिबल नहीं है। बोथ 8th एंड 9th टर्गा इन फीमेल आर नॉट विजिबल। मेल में कौन सा नहीं दिख रहा? 8th, और फीमेल में 8th एज वेल एज 9th। दे आर ओवरलैप्ड बाय 7th टर्गम। अब हमने देखा 8th टर्गम इज नॉट, 8th टर्गम इन द मेल इज नॉट विजिबल, 8th एंड 9th टर्गा इन द फीमेल आर नॉट विजिबल। क्यों नहीं दिख रहे भाई? क्योंकि इन्हें कौन ओवरलैप कर रहा है? 7th टर्गम। The 10th टर्गम extends beyond posterior end of the body and has a deep notch groove in the middle of its free end. ये देखो 10th टर्गम ऐसे नोच बना रहा है ना, ये वाला पार्ट ऐसे W like बन गया, तो ये नोच बन गई ना यहाँ पे। In male, 9 sterna are visible. इन फीमेल ओनली 7 स्टर्ना आर विजिबल। फीमेल में याद रखो 7 स्टर्ना ही विजिबल है। 7th, 8th एंड 9th स्टर्ना टुगेदर फॉर्म ए ब्रूड पाउच। ब्रूडिंग, बच्चों की परवरिश करना। तो यहां ब्रूड पाउच क्या है?
जो बेसिकली एग वगैरह कंटेन करेगा, वी विल डिस्कस दिस। ब्रूड पाउच हैज टू पार्ट्स, द इंटीरियर जेनिटल चैम्बर, गाइनेट्रियम एंड पोस्टीरियर ऊथिकल चैम्बर। ऊथिकल चैम्बर का मतलब एग केस चैम्बर, ऊथिका इज द एग केस, एग का कवर, एग केस चैम्बर। पोस्टीरियर एंड ऑफ एब्डोमन हैज अ पेयर ऑफ एनल सर्की, पोस्टीरियर एंड ऑफ एब्डोमन हैज अ पेयर ऑफ एनल सर्की, ए पेयर ऑफ एनल स्टाइल्स एंड गोनेपोफाइसिस इन द मेल्स। ये देखो एनल सर्की दोनों में प्रेजेंट है, ये देखो ये दिख रहे हैं, ये एनल सर्की हैं, ये मेल में भी प्रेजेंट है, फीमेल में भी प्रेजेंट है, बट जो एनल स्टाइल है, गोनेपोफाइसिस है, ये दोनों सिर्फ किस में प्रेजेंट है, मेल्स में। अब इसमें आपको एनल स्टाइल नजर आ रहे हैं इस कॉकरोच में, नहीं नजर आ रहे, तो इसका मतलब ये कौन है, ये लड़की है, फीमेल है। एनल सर्की आर जॉइंट एंड अराइजिंग फ्रॉम लेटरल साइड्स ऑफ द 10th टर्गम इन बोथ सेक्सेस। एनल सर्की अराइज कहां से हुए हैं, आर जॉइंटेड, ये भी जॉइंटेड एंड अराइजिंग फ्रॉम द लेटरल साइड्स ऑफ द 10th टर्गम इन बोथ सेक्सेस। अब आ गया एनल स्टाइल्स, आर विदाउट जॉइंट्स, अनजॉइंटेड स्टाइल्स एंड अराइज फ्रॉम द 9th स्टर्नम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो याद रखो स्टाइल किस में प्रेजेंट है, सिर्फ मेल में, एनल स्टाइल्स आर ओनली इन मेल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड नंबर पे अराइज कहां से हो रहे हैं, 9th स्टर्नम से, मतलब वेंट्रल साइड से, ठीक है, और अनजॉइंटेड स्ट्रक्चर है ये विदाउट जॉइंट्स। गोनेपोफाइसिस, गोनेपोफाइसिस का मतलब है, गोनेड से वर्ड आया ना गोनेपो, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स आर स्मॉल, ये भी काइटिन के बने हुए हैं, काइटनस। प्रोसेसेस अराइजिंग फ्रॉम 9th स्टर्नम इन मेल्स एंड 8th एंड 9th स्टर्नम इन फीमेल्स। जो गोनेपोफाइसिस हैं, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स हैं, स्मॉल काइटनस प्रोसेसेस हैं, अराइजिंग फ्रॉम 9th स्टर्नम इन मेल्स एंड 8th एंड 9th स्टर्नम इन फीमेल्स। द एनस इज एट पोस्टीरियर एंड ऑफ द एब्डोमन, बिल्कुल ही हेड वाला पार्ट क्या हो गया इंटीरियर, और ये पार्ट क्या हो गया पोस्टीरियर। एनस कहाँ पे प्रेजेंट है, बिल्कुल ही पोस्टीरियर पार्ट पे, एंड पे, तो इसलिए इसमें टेल एब्सेंट है। टेल क्या होती है, पोस्ट एनल पार्ट ऑफ बॉडी इज नोन एज टेल। अब जब इसमें एनस ही टर्मिनल पोजीशन पे आ गई, पोस्टीरियर एंड पे आ गई, तो टेल इसमें एब्सेंट है। द जेनिटल जेम अपर्चर इन मेल इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द एनस, जो जेनिटल अपर्चर है मेल्स में, ये कहाँ पे पड़े, जस्ट बिलो द एनस ऑन वन ऑफ द गोनेपोफाइसिस एंड इन फीमेल इट इज लोकेटेड ऑन द 8th स्टर्नम। ये याद करने वाली बातें हैं, इसके ना छोटे छोटे से नोट्स बना लेते हैं भी, बेसिकली जेनिटल अपर्चर मेल में कहाँ पे है, जेनिटल अपर्चर फीमेल्स में कहाँ पे है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। बॉडी वॉल, बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, सबसे बाहर वाली लेयर क्यूटिकल, उसके बाद एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस, उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्यूटिकल इज द आउटर मोस्ट लेयर, इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, नेमली एन आउटर एपिक्यूटिकल, मिडल एक्सोक्यूटिकल एंड इनर एंडोक्यूटिकल। अब क्यूटिकल के भी कितने पार्ट्स हो गए, 3 पार्ट्स, एपिक्यूटिकल, मिडल एक्सोक्यूटिकल एंड इनर एंडोक्यूटिकल। द एपिडर्मिस लाइज बिलो द क्यूटिकल। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ बॉडी वॉल एंड इट हैज फ्लैटेंड सेल्स, एपिक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल और थर्ड वाली इनर मोस्ट एंडोक्यूटिकल, और इसके नीचे एपिडर्मिस, कौन से सेल्स की बनी हुई है, फ्लैट सेल्स की, और सबसे नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन से ऊपर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से ऊपर क्यूटिकल, क्यूटिकल के 3 पार्ट्स हैं, इनर मोस्ट पार्ट एंडोक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल, सबसे टॉप मोस्ट एपिक्यूटिकल। क्यूटिकल इज द आउटर मोस्ट लेयर।
एपिक्यूटिकल आउटर थिन वैक्सी लेयर, एक्सोक्यूटिकल मिडल थिक टफ पिगमेंटेड काइटिन लेयर। काइटिन क्या है केमिकली? काइटिन इज अ पॉलीसेक्राइड, जैसे सेलुलोज होता है ना वैसे ही काइटिन भी एक पॉलीसेक्राइड है, ठीक है। सेकंड मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेक्राइड कहां कहां पाई जाती है? इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, जैसे कॉकरोच में पड़ रहे हैं। और दूसरे नंबर पे कहां पाई जाती है? फंगस में, काइटनस सेल वॉल, एंडोक्यूटिकल इनर थिक सॉफ्ट लेयर ऑफ काइटिन। एपिडर्मिस, इट कॉम्प्राइजेज अ सिंगल लेयर ऑफ कोल्यूमनर सेल्स रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, इट सिक्रीट्स द क्यूटिकल्स। अब क्यूटिकल है जो, वो आई कहां से? उसे किसने सिक्रीट किया? कोल्यूमनर सेल्स ने, जो क्या है? एपिडर्मिस। द क्यूटिकल प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स एंड प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन, प्रोवाइड सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स। सॉफ्ट फ्लेक्सिबल आर्टिक्यूलर मेम्ब्रेन, आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन लैक द एक्सोक्यूटिकल एंड सो दे आर फ्लेक्सिबल। बॉडी कैविटी एंड सिलोम, why is the body cavity of cockroach not a true siloam but a hemocoel, है ना? अब बड़े ध्यान से देखो, इनकी जो siloam है बहुत reduced है। जो आप देखोगे इसके excretory organs और excretory structures और इसके reproductive structures के around ही फैली हुई है। बाकी से hemocoel क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बाकी जो body cavity है इसमें क्या भरा हुआ है? blood, इसका blood जो hemolymph है। द बॉडी कैविटी पेरीविसरल कैविटी ऑफ पेरीप्लेनेटा और कॉकरोच इज नॉट ए ट्रू सिलोम एज इट इज नॉट लाइंड बाय पेरिटोनियम। पेरिटोनियम का मतलब बॉडी कवरिंग। इट इज कॉल्ड हेमोसील एज इट इज फिल्ड विथ ब्लड और हेमोलिम्फ। इसके ब्लड को क्या बोल रहे हैं? हेमोलिम्फ। कलरलेस ब्लड होता है कॉकरोच में, क्योंकि इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट एबसेंट है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट एबसेंट है तो इसका मतलब ब्लड का कोई रोल नहीं है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में इन केस ऑफ कॉकरोच। साइजोसिलोम इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसेस अराउंड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मैंने बोला एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के अराउंड। फैट बॉडीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिशन का कॉकरोच से। हेमोसील कंटेन्स मैनी लार्ज साइज फैट बॉडीज। अब जो इसकी हेमोसील है, ब्लड फिल्ड कैविटी है, उसमें लार्ज साइज फैट बॉडीज पड़ी हैं। These bodies are also known as corpora adiposa. Adipose का मतलब ही fatty tissue होता है। These are similar to the liver of the vertebrates in certain functions. किससे similar है? अगर examiner पूछे भी जो vertebrates का liver है उसके जैसा function कौन कर रहा है cockroach में, तो आप यही बोलोगे fat bodies। तो हम बोल सकते हैं भी fat bodies are similar to liver of vertebrates in their function. ओरिजन डिफरेंट है, फंक्शन सेम है। इस तरह के ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं? एनालोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स, ठीक है। अगर फंक्शन सेम है, ओरिजन सेम है, फंक्शन मे और मे नॉट भी सेम है तो होमोलोगस, लेकिन ओरिजन डिफरेंट है, फंक्शन सेम है तो एनालोगस ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये क्या होगी? फैट बॉडीज ऑफ कॉकरोच विच आर प्रेजेंट इन इट्स हेमोसील आर एनालोगस टू लीवर ऑफ वर्टिब्रेट्स। ए फैट बॉडी हैज मेनी लोब्यूल्स, जैसे हमारे लीवर में लोब्यूल्स होते हैं ना, तो फैट बॉडी में भी काफी छोटे छोटे लोब्स की छोटी फॉर्म होती है लोब्यूल्स, कंटेनिंग फोर टाइप्स ऑफ सेल्स। ट्रोफोसाइट्स, जिनका काम क्या है? फूड स्टोरेज। मिक्टियोसाइट्स कंटेन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ओइनोसाइट्स सिक्रीट लिपिड्स। यूरेट सेल्स स्टोर यूरिक एसिड, ठीक है। एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ कॉकरोचेस यूरिक एसिड, ठीक है। लीस्ट सोलुबल इन वाटर। बॉडी कैविटी ऑफ पेरीप्लेनेटा इज कॉल्ड, हाँ जी,
क्या बोलते हो, हेमोसील। कोल्यूमनर सेल्स ऑफ एपिडर्मिस सिक्रीट क्यूटिकल। अब कॉकरोच की लोकोमोशन है, लोकोमोशन वाला पार्ट थोड़ा समझ लेना है, ठीक है। जो सबसे पहले अगर आपको एग्जामिनर पूछे जो कॉकरोच है वो उड़ने वाला जानवर है या भागने वाला जानवर है, तो आप बोलोगे ये भागने वाला जानवर है। उड़ता कब है? एमरजेंसी की कंडीशन में, अदरवाइज ये भागता है। तेज भागने वाले जानवर हमको क्या बोल देते हैं एनिमल्स को, रनिंग और कर्सोरियल लोकोमो। कर्सोरियल का मतलब फास्ट रनिंग एनिमल। फ्लाइंग एमरजेंसी की कंडीशन में, कब उड़ेगा? आप कॉकरोच के पीछे पड़ गए, वो तेज तेज भाग रहा है, आप भी तेज तेज भाग रहे हो, तो होगी उसके लिए इमरजेंसी। अब वो उड़ेगा भी, अब आपके कपड़ों पे चढ़ सकता है, वो ध्यान रखना। छह टांगों वाला जानवर है, जैसे ट्राइपोड होता है ना, ट्राइपोड का स्टैंड है, तीन टांगे हैं, दो आगे की टांगे एक पीछे की टांग, ऐसे है ना, ये जमीन पे रखता है और बाकी की जो तीन टांगे हैं उनसे ये फॉरवर्ड मूव कर जाता है, और ये ट्राइपोड बनाया हुआ जो तीन टांगे हैं ये फिर ऊपर उड़ जाती हैं, अगली जो टांगों से भागा था आगे मूव किया था वो ट्राइपोड बना देती हैं। ट्राइपोड बना बना के भाग रहा है, मतलब तीन टांगे जमीन पे हमेशा रेस्ट करती हैं, बाकी तीन टांगों से फॉरवर्ड डायरेक्शन लगाता है, जिससे फॉरवर्ड डायरेक्शन लगाता है वो फिर ट्राइपोड बन जाती हैं, और फिर जो टांगे ट्राइपोड बनी हुई थी उनसे फिर आगे मूव कर जाता है। ड्यूरिंग वॉकिंग और रनिंग कॉकरोच फॉर्म्स ट्राइपोड्स विद द लेग्स। जो कैमरे का स्टैंड है ना उसे ट्राइपोड बोलते हो ना, ऐसे ही होता है वो, है ना। तो ये दो आगे वाली टांगे होंगी, ये पीछे वाली टांग होगी, ऐसे जमीन पे है और बाकी तीन टांगों से ऐसे आगे आएगा, वो ट्राइपोड बना देंगे, ट्राइपोड लोकोमोशन जो करते हैं। हाउ इज ईच ट्राइपोड ऑफ कॉकरोच फॉर्म्ड ड्यूरिंग लोकोमोशन? ईच ट्राइपोड इज फॉर्म्ड बाय फोर लेग्स एंड हाइंड लेग ऑफ वन साइड एंड मिडल लेग ऑफ अदर साइड। ड्यूरिंग लोकोमोशन थ्री लेग्स ऑफ वन ट्राइपोड आर केप्ट ऑन ग्राउंड एंड अदर थ्री लेग्स ऑफ अनदर ट्राइपोड आर कैरिड फॉरवर्ड। जब कैरी फॉरवर्ड हुई हैं वो ट्राइपोड बन जाएंगी, जो ट्राइपोड बनी हुई थी उनसे फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। ये देखो, इन दिस प्रोसेस द फोर लेग एंड द हाइंड लेग ऑफ ट्राइपोड केप्ट ऑन ग्राउंड पुल एंड पुश द बॉडी व्हाइल द मिडल लेग एक्ट्स एज पिवट, दस कॉकरोच मूव्स यूजिंग द ट्राइपोड्स अल्टरनेटिवली। अब ये स्लिप क्यों नहीं करता? मार्बल पे भी भाग रहा है, दीवार पे भी भाग रहा है। द एनिमल डज नॉट स्लिप बैक एज प्लेनुले, याद आ रहे हैं प्लेनुले, पैड्स, पलविनी, पलविली एंड क्लोज प्रोवाइड ग्रिप। द क्लोज एंड द एरोलियम हेल्प्स इन लोकोमोशन ऑन रफ सर्फेसिस वेयर एज प्लेनुले आर यूजफुल इन स्मूथ सर्फेसिस। दो कॉकरोच इज ए कर्सोरियल इंसेक्ट, मैंने आपको पूछा ना, एग्जामिनर ने पूछा कौन सा जानवर है, तो आप बोलोगे तेज भागने वाला जानवर है। इट कैन फ्लाई ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस विद द हेल्प ऑफ इट्स विंग्स। उड़ेगा कब? एमरजेंसी में। अब हमें पता है जो मीजोथोरेसिक विंग्स हैं वो तो लेदरी हैं, प्रोटेक्टिव हैं, अब उन्हें 90 डिग्री के एंगल पे ले जाएगा, और उसके बाद जो इसके मेटाथोरेसिक विंग्स हैं उनसे ये फ्लाई कर जाएगा। सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स मूव अप एंड डाउन ड्यूरिंग द फ्लाइट। विंग्स आर एलिवेटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डोर्सोवेंट्रल मसल्स। अब इसका मतलब विल के कंट्रोल में स्ट्राइटेड मसल्स प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। तो
बेसिकली जो डोर्सो वेंट्रल मतलब डोर्सल और वेंट्रल साइड पे जो मसल्स बड़ी हैं उनकी हेल्प से विंग्स काम कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डोर्सो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ डोर्सो वेंट्रल मसल डिप्रेस द विंग्स। ये देखो ग्लास में दिखाया है, इमरजेंसी की कंडीशन में फंस गया ना। टाइप ऑफ लोकोमोशन एग्जिबिटेड बाय पेरीप्लैनेटाइज, ठीक है जी, कर्सोरियल, ग्लाइडिंग, अमीबॉइड स्विमिंग। हाँ जी बताओ क्या आंसर है इसका। फास्ट रनिंग एनिमल कर्सोरियल। ड्यूरिंग फ्लाइंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डैश मसल्स इज हेल्पफुल फॉर द एलिवेशन ऑफ विंग्स, एलिवेट करने हैं डोर्सो वेंट्रल मसल्स। ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा कॉकरोच का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डू इट परफेक्टली बेटा। ठीक है, थोड़ा इंफॉर्मेटिव पार्ट भी है पर मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मैं जितना विजुलाइज करवा सकता हूँ उतना करवा रहा हूँ। ठीक है, ओके।